रहेगी सही जानकारी तो दूर रहेगी बीमारी, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य सच्ची संपदा है। नमस्कार, हेल्थ इज वेल्थ कार्यक्रम में मैं डॉक्टर संदीप तिवारी आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली से इस देश के जाने माने हार्ट सर्जन डॉक्टर रजनीश मेहरोत्रा। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। नमस्कार। आज डॉक्टर रजनीश मेहरोत्रा हम लोगों को हार्ट के ऊपर क्या क्या सर्जरीज होती हैं, क्या क्या हृदय रोग के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और क्या हार्ट ट्रांसप्लांट आज के समय में हिंदुस्तान में संभव है, इस विषय पर जानकारी देंगे। डॉक्टर मेहरोत्रा, सबसे पहले ये बताइए कि क्या हृदय रोग के क्या क्या लक्षण होते हैं जिनसे मरीजों को ये पता चल सके कि इन लक्षणों की वजह से हमको हृदय रोग हो रहा है। देखिए, हृदय रोग में जहाँ तक है कि सबसे पहले तीन चीज़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, यानी पैदाइशी बीमारियाँ। दूसरी है एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें नसों और नाड़ियों में जो ब्लॉकेजेस होते हैं या वाल्व के इन्फेक्शन होते हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं। और तीसरी बीमारी हम लोग कह सकते हैं डीजनरेटिव हार्ट डिजीज या हार्ट फेलियर। तो तीन चीज़ें हैं, तीनों के अलग अलग लक्षण होते हैं। जो कंजेनाइटल बीमारी है, जो पैदाइशी बच्चे होते हैं जिनके दिल में बनावटी कुछ डिफेक्ट रह जाता है, जैसे हार्ट में डिफरेंट तरह के छेद हुए, कुछ एबनॉर्मल कनेक्शन हुए, तो वो बच्चे जनरली नीले पैदा होते हैं। उनके साथ ही साथ जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी डेवलपमेंट में रुकावट होती है, वो उसका फीडिंग में रुकावट होती है, वो पूरी तरह से फीडिंग नहीं ले पाता, सांस फूलने लगती है थोड़ा सा चलने पे। तो ये बच्चे होते हैं जिनके अंदर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। जब हम लोग एक्वायर्ड हार्ट डिजीज या इस्कीमिक हार्ट डिजीज की बात करते हैं, जिसमें कॉर्नरी आर्टरी, जो हार्ट को सप्लाई करने वाले नसें होती हैं, उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से मेनली पेशेंट को छाती में दर्द होना, दर्द जो होता है छाती में दर्द के अलावा जबड़े में दर्द होना, बाजू में दर्द आना, कमर में पीठ में दर्द आना, और कई लोग जो इसको कंफ्यूज करते हैं गैस के साथ कि पेट में गैस बन जाना, तो ये सबसे बड़ी सिम्टम है। और जिसकी सबसे बड़ी वजह जो हमारे देश में है, डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर है। इस समय आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान जो है डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जा रहा है, कि जहाँ पे डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स दुनिया में हैं। और डायबिटीज़ सबसे बड़ी वजह है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए या नसों में ब्लॉकेज के लिए। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि यदि किसी मरीज को सीने में दर्द की शिकायत हो चलने पे, या सांस फूलने की शिकायत हो, या उसके कंधे में दर्द जा रहा हो, तो उसको हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि डायबिटीज और हार्ट के ब्लड प्रेशर के मरीजों में ये संभावना है, या जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें ये संभावनाएं ज्यादा होती हैं, तो क्या ऐसा भी है डॉक्टर साहब कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीजों को हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाके रेगुलर अपना कुछ चेकअप कराना चाहिए? जी बिल्कुल। जो पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है, अगर वो 40 साल से ऊपर हैं जी, तो उनको नियमित रूप से साल में एक बार जरूर चेक कराना चाहिए। इसकी गाइडलाइंस हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से भी और WHO से भी गाइडलाइंस हैं, जिसमें उनको साल में एक बार जाके अपना कोलेस्ट्रॉल और उसी से संबंधित जितने ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो जांच करनी चाहिए, और साथ में एक बार साल में एक ट्रेडमिल टेस्ट, ECG और TMT जिसे कहते हैं, दौड़ के जो ECG किया जाता है, वो करके एक बेसलाइन ECG हमेशा करना चाहिए।
डॉक्टर साहब, अभी ये स्टेंट के बारे में एक बड़ी खबर आई थी कि स्टेंट के दाम कम कर दिए गए हैं, तो ये स्टेंटिंग या एंजियोप्लास्टी किन तरीके के मरीजों में की जाती है और इनके दाम कम हो जाने से मरीजों को क्या लाभ पहुंचेगा? देखिए, जिन पेशेंट्स की नसों में ब्लॉक होती है, जिनको हम लोग कहते हैं कि जिनको हार्ट अटैक होता है या हार्ट अटैक का अंदेशा होता है, जिसके चांसेस होते हैं, उन पेशेंट्स को या तो बाईपास या एंजियोप्लास्टी के लिए रिकमेंड किया जाता है, या स्टेंटिंग के लिए। तो जिन पेशेंट्स में, मतलब आइडियली क्या है कि तीन नसों में ब्लॉकेजेस हों या उससे ज़्यादा हों, तो उनको हमेशा बाईपास के लिए रिकमेंड किया जाता है। जिन पेशेंट्स में एक या दो नसों में ब्लॉक हो या फोकल लीजन हो, जिसमें मतलब एक ही जगह पर ब्लॉक है, तो उन पेशेंट्स के लिए एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग रिकमेंड की जाती है। उसमें क्या होता है कि उस नाड़ी के अंदर एक तार डाल के वहीं पे एक बैलून से उस नस को खोल दिया जाता है और इसमें एक स्टेंट डाल दिया जाता है, जिसको आम भाषा में छल्ला भी कहा जाता है। तो ये छल्ले ज्यादातर तो हम लोग विदेश से मतलब लेके आते हैं, विदेश से इम्पोर्ट किए जाते हैं, पर इंडिया में भी अब बनने लगे हैं। तो इनकी कॉस्ट में जो इम्पोर्ट कॉस्ट और जो कंपनीज और हॉस्पिटल्स थे उन्होंने काफी ज्यादा रखी हुई थी, ये कदम जो है कॉस्ट कम करने का एक बहुत अच्छा कदम है, जिससे बहुत सारे पेशेंट्स को इसका लाभ मिल सकता है। जो एंजियोप्लास्टी एक नस की, जनरली एक किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो उसमें 2.5 से 3 लाख रुपए कॉस्ट आती थी, वो कॉस्ट अब कम होकर 1.5 लाख 1 लाख रुपए तक पहुंच गई, लगभग आधी हो जाएगी, लगभग आधी। डॉक्टर साहब, अभी हम लोग छल्ला पड़ने की बात कर रहे थे, छल्ला पड़ने के बाद क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की भी संभावनाएं होती हैं और क्या छल्ला पड़ जाने के बाद मरीज अपना नॉर्मल जीवन यापन कर सकता है? सर, छल्ला बनने डलने के बाद मरीज अपना नॉर्मल जीवन जी सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे जो पेशेंट डायबिटिक्स हैं, अगर वो शुगर का कंट्रोल ठीक नहीं रख पाते या कोलेस्ट्रॉल जिनका ज़्यादा है या स्मोकर्स हैं या तंबाकू का जो लोग सेवन करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, खास करके डायबिटिक्स में 15 से 20% चांस होता है कि वो छल्ला फिर से ब्लॉक हो जाता है। अगर छल्ला फिर से ब्लॉक आ जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल या जो भी चीज़ें हैं वो छल्ले के अंदर फिर से आके उसको ब्लॉक कर देती हैं, तो उसके ब्लॉक होने की वजह से पेशेंट को दोबारा सिम्टम्स आ जाती हैं। कुछ पेशेंट्स को छाती में दर्द होने की सिम्टम्स आ जाती है, कुछ पेशेंट्स को चेस्ट पेन हो जाती है और कुछ पेशेंट्स को फिर से सांस फूलना और इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में फिर बाईपास सर्जरी रिकमेंड की जाती है, ताकि उनको बाईपास किया जाए जहाँ छल्लों ने उस आर्टरी को ब्लॉक किया है, उसके आगे पेशेंट के बॉडी से ही नसें लगा के आगे उसको बाईपास कर दिया जाए। डॉक्टर मल्होत्रा, ऑपरेशन या सर्जरी एक ऐसा नाम है जो कि आम जनता जब उसको सुनती है तो उसके अंदर बहुत घबराहट पैदा हो जाती है, और बाईपास सर्जरी हम लोग भी ये देखते हैं कि कई मरीजों को एडवाइस की जाती है तो वो पोस्टपोन करते हैं या नहीं कराते हैं या डर जाते हैं। तो आज हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने का कष्ट करें कि बाईपास सर्जरी होती क्या है और इसमें कितना खतरा है और ये करवा लेना कितना जरूरी है मरीज के लिए। देखिए, बाईपास सर्जरी में जैसे मैंने बताया कि नसें मरीज के शरीर से ही ली जाती हैं। जी, जैसे हम लोग एक नस मरीज के चेस्ट में, जिसको इंटरनल मेमोरी आर्टरी कहते हैं, वो यूज करते हैं, या फिर लेग से या हाथ से नसें ली जाती हैं। बाईपास सर्जरी की जो खतरा, जो पहले हम लोग शुरू कर आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले जब हुई थी, तब तो रिस्क बहुत ज्यादा होता जी, लेकिन अब एनेस्थीसिया की टेक्निक, सर्जरी की टेक्निक और बहुत ज्यादा विकसित हो गई है, तो रिस्क एक इलेक्टिव केस में सर्जरी का 1% से भी कम है। तो 99% सक्सेस का मतलब हमेशा हर पेशेंट में हम लोग दे सकते हैं, और उसमें जो है मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट बाईपास सर्जरी का ज्यादा होता है जी। इनिशियली हाँ, पेन है, ये सब तकलीफ जरूर होती है जिससे मरीज डरता है, लेकिन बाईपास एक बार करें तो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है कि 20-25-30 साल तक मरीज को फिर से वो सिम्टम्स नहीं होती, मरीज हार्ट अटैक से बचा रहता है, और अगर 25 साल बाद फिर से कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर से उसको छल्ला डाला जा सकता है या फिर से बाईपास किया जा सकता है। बाईपास सर्जरी डॉक्टर साहब, जैसे आज से कुछ वर्ष पहले पूरा सामने की छाती खोल करके की जाती थी और हार्ट को पूरी तरीके से रोक करके मशीन पे डालकर किया जाता था, तो आज क्या कुछ ऐसी टेक्निक उपलब्ध है कि छोटे चीरे से भी की जा सकती है और हार्ट को पूरी तरीके से रोके बिना भी की जा सकती है? हाँ बिल्कुल सर, तो आज की डेट में हम लोग जैसे 99% सर्जरी बाईपास की जो है, जो कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज के लिए की जाती है, हम बीटिंग हार्ट पे करते हैं। बीटिंग हार्ट का मतलब कि हार्ट को रोका नहीं जाता, हार्ट को हार्ट लंग मशीन में ब्लड को नहीं डाला जाता, हार्ट जैसे नेचुरली कुदरती तरीके से चल रहा है वैसे ही चलता रहता है, और हम अपना बाईपास कर लेते हैं उसी लोकलाइज्ड एरिया को रोक के।
तो उससे सेफ्टी बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज जब आपने हार्ट को रोका नहीं तो हार्ट चल रहा है तो उसको आपने बाईपास किया तो उसमें सेफ्टी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सेफ्टी अब 99% की है। और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी या दूरबीन से या छोटे तरीके से आज हम सभी तरह की बाईपास ही नहीं, वैल रिप्लेसमेंट जो है, हार्ट के अंदर के छेद हैं, हार्ट के अंदर के ट्यूमर्स हैं, ये सब सर्जरी भी मिनिमल इन्वेसिव इंसिजन से की जा सकती है, जिसमें जो चीरा होता है 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है, जिसमें पेशेंट 3-4 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है और हफ्ते से 8 दिन में या 10 दिन में पेशेंट अपना काम वापस रिस्टोर कर सकता है, वापस अपने काम पे जा सकता है। दर्शकों, बिल्कुल साफ मैसेज डॉक्टर साहब का ये है कि आज के दौर में हार्ट सर्जरी से या बाईपास सर्जरी से आप घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस सर्जरी में, इस ऑपरेशन में उतना ही खतरा है जितना किसी भी और मेजर ऑपरेशन में आज के समय में खतरा होता है, उससे ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन यदि आप इस ऑपरेशन के लिए नहीं जाते हैं और आपकी तीनों नसें ब्लॉक्ड हैं, बंद हैं तीनों नसें, तो आपको हार्ट अटैक और फिर मृत्यु की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, आज अपने हिंदुस्तान में हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हार्ट ट्रांसप्लांट, जैसे लिवर और लंग का, किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो क्या हार्ट का भी ट्रांसप्लांट अपने देश में हिंदुस्तान में शुरू हो चुका है, और यदि हो चुका है तो कौन से ऐसे मरीज हैं जिनको कि हार्ट ट्रांसप्लांट करके बचाया जा सकता है? देखिए, जो भी कोई हार्ट की बीमारी है, जिसको हम लोग कहते हैं एडवांस्ड हार्ट फेलियर, एवरी डिजीज लीड्स टू एडवांस्ड हार्ट फेलियर। लाइक अगर हमारी कॉरोनरी डिजीज है या वाल्व की डिजीज है या कंजेनाइटल डिजीज है, अल्टीमेटली जो है वो एडवांस हार्ट फेलियर में चली जाती है। और एडवांस हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि मरीज अपनी दिनचर्या भी ठीक से नहीं कर सकता जी, मतलब कि वो 4 कदम 10 कदम चला तो सांस फूलने लगा, हाथ पैर में सूजन आ गई, थकावट महसूस करी, और उसकी वजह से मतलब हार्ट जैसे है, हार्ट की पंपिंग का एक्शन है नॉर्मली 55-60% होता है, उससे गिर के 20% 15% इतना रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग दो चीज़ों को रिकमेंड करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट और LVAD, जो आर्टिफिशियल हार्ट कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया में आज से 30 साल पहले और 30-28 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कितने साल पहले शुरू हुआ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में पहली बार किया था डॉक्टर वेणुगोपाल ने, उसके बाद हम लोग काफ़ी हार्ट ट्रांसप्लांट अब फिर से करना शुरू किया है, हम दिल्ली में कर रहे हैं, हमने अपने हॉस्पिटल में 6 किए हैं पिछले 1 साल भर में, उधर साउथ में चेन्नई में काफ़ी हो रहे हैं, बेंगलोर में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी होने शुरू हुए हैं। उसकी सबसे बड़ी अड़चन कह लीजिए या वो कहिए रुकावट क्या है कि अभी लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है अपनी ऑर्गन डोनेशन के लिए जी अभी। और सबसे बड़ी बात है कि हमें हार्ट जो है, जैसे किडनी या लिवर हम लाइव पेशेंट से ले सकते हैं जी, हार्ट हमें ब्रेन डेड व्यक्ति से लेना पड़ता है। ब्रेन डेड का मतलब ये है कि जैसे एक्सीडेंट में किसी का ब्रेन डेड हो गया और उसकी बॉडी चल रही है, हार्ट उसका जीवित है, तो ऐसे व्यक्ति से हार्ट हम लोग को लेना पड़ता है, फैमिली को समझाना पड़ता है उस व्यक्ति का हार्ट लेके, और सबसे बड़ी बात है उसको 4 घंटे में वापस दूसरी बॉडी में लगाना होता है ताकि वो हार्ट दोबारा चलना शुरू कर दे। तो ये एक मतलब कहिए एक अड़चन है, रुकावट है, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट के नंबर हमारे देश में लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आ रही है, जैसे जैसे पब्लिक अवेयर हो रही है। और हार्ट ट्रांसप्लांट की सबसे हम अच्छी बात कहेंगे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए, 1 ईयर सर्वाइवल रेट इज 95%, मतलब 95% लोग 1 साल बाद जीवित रहेंगे जी। और 80% से ज़्यादा पेशेंट 5 साल बाद जीवित रहेंगे और 75% पेशेंट 10 साल बाद जीवित रहेंगे। तो हार्ट ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट का भी रिस्क अगर हम बोलें तो मतलब 1 से 5% के अंदर ही आता है, 95% सक्सेस के रेट रहते हैं। हमने जितने अपने यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट किए हैं सारे सक्सेसफुल रहे हैं जी। अभी तक जितने पेशेंट हैं सब जीवित हैं, सब लोग अपने परिवार में अपने काम में वापस चले गए, अपनी तरीके से अपना काम करना शुरू कर दिया। इसमें ये जरूर है कि पेशेंट को इम्यूनो सप्रेशन दवाई लेनी पड़ती है जी। ताकि इम्यून सिस्टम हार्ट को ना रिजेक्ट करे, वो इसकी एक लिमिटेशन है जो कि पेशेंट को ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है। लेकिन एज सच अगर देखा जाए तो हार्ट ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छी पेशेंट के लिए एक तरह से वरदान है। और जैसे कहा गया है कि ऑर्गन डोनेशन जो महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, तो आप किसी एक दूसरे व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। और जिन पेशेंट्स में ये हार्ट अवेलेबल नहीं है तो उन पेशेंट्स के लिए एक दूसरी चीज़ है जिसको हम मैकेनिकल असिस्ट डिवाइस कहते हैं या आर्टिफिशियल हार्ट समझ लीजिए। इसमें क्या किया जाता है कि एक मैकेनिकल पंप हार्ट में लगा दिया जाता है,
जो कि एक हार्ट भी अगर हम सोचें तो एक पंप ही है, तो पंप की तरह एक मैकेनिकल आर्टिफिशियल पंप डाला जाता है जो कि हार्ट के एक चैम्बर जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं वहाँ से ब्लड लेके असेंडिंग एओर्टा जो कि हार्ट की सबसे बड़ी धमनी होती है जो कि पूरे शरीर में ब्लड देती है उसमें लगा दिया जाता है। तो वो हार्ट वहाँ से ब्लड सक करता है और उस धमनी में हार्ट ब्लड डालता है ताकि वो पूरे शरीर में जा सके। तो एक तरह से वो हार्ट को पूरी तरह से असिस्ट कर लेता है। जी जी। तो इस डिवाइस को हम लोग LVAD कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। इसकी एक ही कमी है कि इसमें अभी जो प्रेजेंट है LVADs वो उसको एक बैटरी की जरूरत है जो कि एक्सटर्नल बैटरी, बिकॉज पंप है तो कहीं से एनर्जी तो चाहिए उसे। हाँ, एक मशीन है जिसको कि एक एनर्जी चाहिए। जी। तो एक तार हमें पेशेंट के चेस्ट से बाहर निकालनी पड़ती है और पेशेंट को बैटरीज जो होती है अपने बेल्ट पे पहननी पड़ती है। तो उसको हम दो बैटरी देते हैं, पेशेंट दो बैटरी यहाँ अपने बेल्ट पे पहनता है, एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जो उसको रेगुलेट करता है, और चार बैटरी पेशेंट के घर में रहती है। और वो एक बैटरी की लाइफ मतलब समझ लीजिए चार्जिंग जो होती है 8 घंटे की होती है, 8 घंटे इधर की बैटरी रहती है, 8 घंटे अपने अभी दूसरी तरफ स्विच हो जाती है, आप बैटरी चेंज कर सकते हैं। और इस जो LVAD में हमने अभी 9 पेशेंट्स को लगाया एक साल में, वो यंग पेशेंट जो कि कहीं नहीं जा पा रहे थे, 10 कदम नहीं चल सक रहे थे, अपने लाइफ में वापस चले गए हैं, काम में चले गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कुछ पेशेंट्स में जिसमें अगर हार्ट मिल जाता है ट्रांसप्लांट के लिए, आप उनको मतलब LVAD निकाल के हार्ट दे सकते हैं। हमारे एक पेशेंट में ऐसा हुआ है कि उसका हार्ट पूरी तरह से अपने आप ही रिकवर कर गया मशीन लगाने के बाद। तो हमने जिसको कहते हैं ब्रिज टू रिकवरी, हमने उस मशीन को निकाल दिया और हार्ट अपने आप ही काम कर रहा है। तो इस मशीन एक तरह से कहिए कि एक तरह से वरदान है जिन लोगों के लिए जहाँ पे हार्ट संभव नहीं है। और दुनिया में ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड देयर आर मोर देन 5000 पेशेंट्स ऑन लिविंग ऑन दिस मशीन फॉर मोर देन 5 ईयर्स। 5 साल से इसी मशीन पे जिंदा है, अपना काम कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी। डॉक्टर साहब ने अभी हम लोगों को हृदय रोगों के लक्षणों के बारे में बताया, स्टेंटिंग यानी कि छल्ला किन मरीजों को डाला जाना चाहिए उनके विषय में बताया, किन मरीजों को बाईपास सर्जरी की आवश्यकता होती है ये डॉक्टर साहब ने बताया, और हम लोगों को बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट इस समय हिंदुस्तान में कई जगहों पर हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में भी हो रहा है, और ये ब्रेन डेड मरीजों से लिया जाता है, और इसमें भी 5-10% का खतरा है। ऐसा नहीं है कि एक ऑपरेशन बहुत खतरनाक है, और हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद मरीज अपना नॉर्मल सामान्य जीवन व्यतीत कर पाता है। तो दर्शकों, ये हमारे साथ थे डॉक्टर रजनीश मल्होत्रा, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के हृदय रोग के सर्जन। दर्शकों, डॉक्टर साहब ने आज जितनी भी बातें बताई हैं वो बहुत ध्यान देने योग्य हैं। यदि आपको हृदय रोग से संबंधित कोई भी लक्षण होते हैं तो आपको तुरंत हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, और जो भी वो एडवाइस करता है, यदि मान लीजिए उसने एडवाइस किया है कि छलना पड़ना चाहिए या आपको सर्जरी की ऑपरेशन की आवश्यकता है, बाईपास सर्जरी की आवश्यकता है, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आज के ज़माने में इतनी अच्छी तकनीक आ चुकी है हार्ट की सर्जरी की कि उसमें आपको घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत उस सर्जरी को कराएं, या छल्ला डलवाने की आवश्यकता है तो उसमें भी ना घबराएं और छल्ला डलवाएं, जिससे कि आप अपना जीवन पुनः उसी प्रकार से यापन करने लगें जैसा बीमारी के पहले कह रहे थे। दूसरी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि जिन मरीजों को हार्ट फेल्योर की स्थिति है उनको पीने की चीज़ें जितनी हैं वो 1.5 लीटर के आसपास ही पिएं, और हो सके तो नाप कर पिएं, उससे ज़्यादा 24 घंटे में उससे ज़्यादा नाप पिएं। तीसरी जो डॉक्टर साहब ने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि अपने हिंदुस्तान में हार्ट का प्रत्यारोपण अब शुरू हो चुका है, काफ़ी संख्या में, काफ़ी अच्छी संख्या में, शुरुआत तो 28 साल पहले हुई थी, अब काफ़ी अच्छी संख्या में होने लगा है, और उसमें भी काफ़ी सफलता हमारे देश के हृदय रोग के सर्जन्स को मिल रही है, और जिन भी मरीजों को ऐसी आवश्यकता होती है वो ब्रेन डेड पेशेंट से मिलती है। ज़रूरी बात यह है दर्शकों कि यदि किसी के भी रिश्तेदार घर परिवार में अगर किसी की सड़क दुर्घटना होती है और अस्पताल में आपको ये बताया जाता है कि आपका मरीज ब्रेन डेड हो चुका है या दिमागी रूप से उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके अंगों के दान के बारे में अवश्य सोचें। आप अंग दान करके, हार्ट का दान करके, लिवर का दान करके, किडनी का दान करके, एक व्यक्ति जिसकी कि बचने की संभावना बिल्कुल नहीं है, जिसकी दिमागी रूप से मृत्यु हो चुकी है, आप अंग दान करके कम से कम
कम से कम 5-6 मरीजों को, 5-6 ऐसे रोगियों को नया जीवन दे सकते हैं और आपका दिल दूसरे के दिल में हमेशा धड़कता रह सकता है। धन्यवाद डॉक्टर रजनीश मल्होत्रा हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। रहेगी सही जानकारी तो दूर रहेगी बीमारी, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य सच्ची संपदा है।